तो हेलो गाइस, आज है हमारे पास कुछ ड्राइंग मटेरियल्स जो कि हैं हमारे पास डॉम्स और यूनिमैक्स के। तो आपको वीडियो में पता लग जाएगा, फिर हम एक ड्राइंग भी बनाएंगे। तो लेट्स तो अनबॉक्स करने के लिए, तो पहली चीज़ है हमारे पास क्या है ये? हाँ, तो ये है डॉम्स के ब्रशेस। ठीक है, डॉम्स के ब्रशेस हैं, इसे साइड में रख देता हूँ। हाँ, और इसे भी साइड में रख देता हूँ। और ये है डॉम्स के ब्रशेस, 5 शेड्स। ठीक है, जो कि मेरे को बैठ गया, देख सकते हैं आप, 50 रुपीज़ का। ठीक है, 50 रुपीज़ का पड़ चुका है हमें। ठीक है, और ये भी है हमारे पास फ्लैट एंड राउंड ब्रशेस, 7 पीसेस। ये हमें पड़ गया 90 रुपीज़ का, देख सकते हैं आप। तो लेट्स अनबॉक्स इट, अनबॉक्स कर ही लेते हैं अब। फिर ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, जैसे कि इसके साथ, मतलब ये दिया ना। ठीक है, तो चलो फिर दूसरे भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये चीज़ें हमारे पास, दूसरा ये भी हैं 5, मतलब ये भी ड्रम्स की हैं। तो बता ही देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ ये मैंने क्यों ख़रीदा। क्योंकि पहले मैं कौन सा यूज़ करता था, मैं बता ही दूँगा। और ये मतलब चलाने के लिए अच्छे हैं, बिगनिंग, तो ठीक है, तो ये बिगिनर के लिए बेस्ट हैं। तो चलो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ठीक है, मैं इसे डाल देता हूँ। ठीक है, और ये कमेंट में बता देना कि आपका होली कैसा गया। मेरा तो ठीक गया। ठीक है, और सभी के, मतलब ये एक रह गया था ना अंदर ही, मतलब मैं सोचूं पता नहीं कहाँ चला गया यार। कोई बात नहीं, मैंने सोचा ये नहीं होगा। ये जो है ये आप अपने ब्रश को प्रोटेक्ट करने के लिए रख सकती हो। ठीक है, तो मैंने डाल दिया। चलो अब ये हो चुका है, इन्हें हम रख देते हैं साइड में। तो अगले हमारे पास हैं ये एक मैकेनिकल पेंसिल, जो कि है यूनिमैक्स की 0.7, क्योंकि मेरे पास 0.5 की थी, जो कि ये है। ठीक है, जो कि अच्छी चलती है मेरे हिसाब से, तो ये सैलो की ARC मैकेनिकल पेंसिल है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास वाटर कलर्स। ये तो ऐसे मिल जाते किसी के पास भी। मैं इन्हीं को यूज़ करता था, और पहले मेरे पास कोई ब्रश नहीं होता था। मैं बता देता हूँ कौन से यूज़ करता था मैं, तो ऐसा ब्रश यूज़ करना मैंने, तो इन्हीं से मैं कलेक्ट करता था, और 5 रुपये का आता था। तो मेरे को अच्छा लगता था, मैंने सोचा नहीं परचेज करूँगा, पर करना पड़ गया, क्योंकि अब बड़े बड़े आर्ट बॉक्स बनाने के लिए तो काम आता ही है। तो लेट अनबॉक्स इट। फिर ब्रश भी होता है, ओ भाई ब्रश तो रंग दिया इन्होंने, कोई बात साफ कर लेता। अरे भाई कलर लगा है, कोई बात नहीं, साइड में रख देता हूँ सारे सामान को। ठीक है, तो इन्होंने तो रंग ही दिया ब्रश को ही, कोई बात नहीं, अब चलाना तो है, कोई बात नहीं, इसे रखो साइड में, ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगा। हाँ, तो ये है मेरे पास, पहले था मेरे पास, मतलब ऐसे ही यूज़ करता था मैं। चलो अभी टेबल को साफ कर देता हूँ थोड़ा सा।
चलो तो अब एक आर्टवर्क हो जाए पेन से। तो पहले सारा सामान लिख लो आप। सारा सामान बता देता हूँ जिन्हें मैं यूज करने वाला हूँ। हाँ, ये वाटर कलर पैलेट, ये तो नॉर्मल, ये तो ज्यादा वो नहीं है। मतलब चलो तो आर्टवर्क को स्टार्ट कर ही ले। तो गाइस मेरे को तो अच्छे लगे ब्रशेस, ठीक है, डोम्स के। अगर आप चाहें तो परचेज करना है तो आप ले सकती हैं अमेज़ोन से, ठीक है। अपनी बस डाल देना है डोम्स ब्रशेस, ठीक है, तो अच्छे में मिल जाएंगे आपको। तो और नहीं, ये मैकेनिकल पेंसिल भी अच्छी निकली, मेरे को अच्छी लगी है, ठीक है। इरेजर भी है इसके साथ है, जो कि यूज़ नहीं करना है, नहीं तो लीड नहीं डाल पाओगे आप। और वाटर कलर तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है डॉम्स के। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।